हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहे थे राहुल सर। आज का जो साइंस का वीडियो है क्लास नाइन्थ के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी यदि आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में है, किसी भी आंसर्स में है, किसी भी लाइन में है, किसी भी वीडियो में है, चाहे वो करंट का वीडियो है, लास्ट डे का वीडियो है, दो दिन पहले का वीडियो है, अब 3 डेज अगो वीडियोस है, ठीक है, और 1 मंथ अगो, 1 महीने पहले का है, 2 महीने पहले का है, 3 मंथ पहले का है, तो आपको कोई भी डाउट हो यू कैन इजीली आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पर। और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, होमवर्क करते रहना है, लर्न भी करते रहना है, ठीक है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले इसको खत्म कर देते हैं, मतलब इस टॉपिक को स्टॉप कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आज की हेडिंग हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था जब कोई बॉडी, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस, कौन सी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, क्या डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे किसमें, इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल क्या है, ये इक्वल है, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल है, समझ गए आप, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये मैं आपको लिखवा चुका था, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट में एक ग्राफ भी बनवाया था, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, उस ग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक टेबल बनवाई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है, टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को टेबल बनवाई थी इस तरीके से, ठीक है, लास्ट वीडियो में, ठीक है, इस तरीके से मैंने टेबल बनवाई थी। ऊपर जो मैंने लिख दिया था टाइम सेकंड में लिया था मैंने, ठीक है, इसमें मैंने टाइम लिया था, ठीक है, किसमें, इन सेकंड, ठीक है, इज दैट क्लियर। नीचे के में मैंने डिस्टेंस ली थी, ठीक है, और डिस्टेंस ली थी मैंने इन मीटर, इज दैट क्लियर, क्लियर होता है ये आपको, ठीक है। यहां पर मैं लगा देता हूं ब्रैकेट, आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, टाइम है सेकंड की और डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। तो टाइम मैं आप लोगों को ले रहा हूं, जो टाइम मैंने लिया है, ठीक है, वो था जीरो, ठीक है, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड, इज दैट क्लियर। यही टाइम लिया था मैंने, इसको आगे ब्लॉक को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। ये बीच में हो गया, इसके मैंने डिवाइडेशन कर दिए, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये मैंने डिवाइडेशन कर दिया, टाइम हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर मैंने डिस्टेंस ली थी 0 सेकेंड पर, मैंने लिया था 0 मीटर, ठीक है, 1 पे लिया था 1, फिर लिया था मैंने 3, फिर लिया था मैंने 5, इज दैट क्लियर। फिर लिया था मैंने 10, फिर लिया था 12, फिर क्या लिया था आपको 15, ठीक है, और फिर लिया था मैंने 20, इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या लिया था 0, 1, 3, 5, 10, ठीक है, 12, 15, ठीक है, और फिर मैंने लिया था आप लोगों के 15 और 20, इज दैट क्लियर। चलते हैं, लेट्स यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, लेट्स सी ग्राफ, ठीक है। अब इससे बनने वाला जो ग्राफ है वो कैसा होगा देखते हैं, लेट्स सी ग्राफ, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है, और ये काफी, आई थिंक मेरे को काफी लंबा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 20 तक है, ठीक है, इज दैट क्लियर। ये हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए जी, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 0, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, ठीक है। आप इधर ले लीजिए टाइम, ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं टाइम, ठीक है, किस में ले लिया मैंने, इन सेकेंड्स में, ठीक है, इज दैट क्लियर। यहां पर ले ली मैंने
क्या ले ली मैंने, डिस्टेंस, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस, इज दैट क्लियर, और डिस्टेंस ले रहा हूं मैं इन मीटर, ठीक है, किसमें ले ली मैंने डिस्टेंस, मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस हो गई मीटर में और टाइम हो गया सेकंड में, इज दैट क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, पॉइंट में यहां पर बना देता हूं, यहां पर तो टाइम लेना है 7 और यहां पर चलेगा 20, देख लीजिए टाइम है 7 तक और ये 20 है, तो 20 ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो आप पहले 20 का ले लीजिए, यहां पर लेता हूं मैं 2, ठीक है, 2 के बाद ले लीजिए आप लोग 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 6 के बाद मैं छोटे छोटे फैक्टर बना देता हूँ, 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद मैं ले रहा हूँ 10, 10 के बाद मैं ले रहा हूँ 12, 12 के बाद मैंने लिया 14, इज दैट क्लियर, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद राहुल सर ने लिया 16, 16 के बाद ले लिया 18 और 18 के बाद ले लिया 20, इज दैट क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, क्लियर होता है, तो देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18 और 20, ये डिस्टेंस ले ली राहुल सर ने, इज दैट क्लियर। अब चलते हैं नीचे एक्स एक्सिस पर और यहां पर लेते हैं टाइम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, टाइम को कंसीडर करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो टाइम के बीच में फैक्टर्स है वो आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि गैप ज्यादा लेना पड़ेगा, टाइम क्या है बहुत शॉर्ट में दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी इसलिए पास में लिया है हमने, ये आप लोगों को मैथ वाले सर भी क्लियर कर देंगे, ग्राफ जब आप 9th क्लास में हो, ग्राफ आप जब पढ़ोगे तो मैथ वाले सर से आप ज्यादा पूछ सकते हो, ठीक है, चलिए जी आगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, हो गया 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट आएगा 4th, ठीक है, नेक्स्ट आ गया आप लोगों के 5 एंड नेक्स्ट आ गया आप लोगों के 6, इज दैट क्लियर, आगे बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर, इसके बाद हो गया आपको 7, इज दैट क्लियर, देख लीजिएगा, ठीक है, और बढ़ाना चाहे तो आप इस एक सेकेंड इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसको भी आप बढ़ा सकते हो और इसको भी मैंने बढ़ा दिया, तो देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इज दैट क्लियर, टाइम हो गया सेकेंड में, ऊपर हो गया, डिस्टेंस हो गया मीटर में, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आप लोगों के सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हो रही है 0 सेकंड पर 0 मीटर की बात, तो इसे तो आप नेग्लेक्ट करिए, ठीक है, यहां से यानी कि इसको यहां पर पॉइंट मार्क कर दीजिए, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं 1 सेकंड पे 1 मीटर, देख लीजिएगा 1 सेकंड और 1 मीटर, ठीक है, ये रहा 1 सेकंड और ये 2 है तो 2 के बीच में आएगा 1, इज दैट क्लियर, 2 के बीच में आएगा 1, तो देख लीजिए ये 2 है और इज दैट क्लियर, आपको दिख रहा है ये 2 है और 2 के बीच में यहां पर ले आइए और ये हो गया 1, यहां पर 1, इज दैट क्लियर, ये हो गया 1, मैंने पॉइंट दे दिया, देख लीजिएगा यहां पर पॉइंट दे दिया, इज दैट क्लियर, 2 के बीच में दे दिया 1 पर। नेक्स्ट आ जाइए आपको 2 पर 3 है यानी कि 2 सेकंड्स पर 3 मीटर है, 2 सेकंड्स पर 3 मीटर, वो 2 और 4 के बीच में आएगा, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो बिल्कुल सीधा आप स्ट्रेट लाइन यहां पर डॉट कर दीजिए नीचे वाले, ठीक है। अब आ जाइए 3 पर क्या है 5, 3 सेकंड्स पर क्या है 5, वही 4 और 6 के बीच में चलिए 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 और यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर 5। 4 पर आ जाइए, 4 पर बात करें 10 की, तो 4 पर देखिए 10 आ गया, 4 पर 10, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन और ये हो जाएगा 4 पर 10, इज दैट क्लियर, आ जाइए। इसके बाद बात करते हैं 5 पर 12, ठीक है, ऊपर आ जाइए, 5 पर 12 है, ठीक है, ये आ गया आपके 5 पर 12, इज दैट क्लियर। इसके बाद आ जाइए आप लोग 6 पर 15, ठीक है, 6 पर क्या है 15 है, ये आ जाएगा 6, ऊपर चलिए 15, ठीक है, यहां पर चलिए, इज दैट क्लियर, ठीक है, ये हो गया 15 लगभग। अब देखिए 14 और 15, ये आएगा 15, ठीक है, ये इधर आया, ठीक है, ये लगभग इधर आया, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आ जाइए आप 7 पे 20, ऊपर ही ऊपर 7 पे 20, ऊपर ही ऊपर आएगा और आई थिंक ये इधर आएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको मिलाना है, कैसे मिलाना है, पहले तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, ये लाइन बिल्कुल सीधी आ जाएगी, ठीक है,
ये हो गया बिल्कुल सीधा, इससे मैच कर दूंगा। इज दैट क्लियर, ये लाइन मिल गई। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक लाइन यहां पर बना सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर्स आप लोग थ्री पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्री पर ही कर दिया मैंने। इज दैट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही फोर पर कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर हो गया, फाइव पर ये फाइव हो गया। ठीक है, सिक्स पर ये सिक्स हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, सिक्स एंड सेवन, इज दैट क्लियर। ठीक है, इसको ऊपर से नीचे आप बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है, इसको भी आप लोग ऊपर से नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, इसको भी आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इससे मिला दीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर, इसको भी आप ऊपर से नीचे मिला दीजिए। इज दैट क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोगों को स्केल की हेल्प से ही करना है। ठीक है, अब आपके फर्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से क्या करना, क्या करोगे आप, इसको इससे मिला दीजिए। इज दैट क्लियर, ये मिल गया। इज दैट क्लियर, सेकंड पॉइंट आ जाइए आप लोग। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आप लोगों को मैच कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए, टू और थ्री के बीच में ये रहा क्रॉस। ठीक है, हो गया क्रॉस, टू और थ्री के बीच में हो गया क्रॉस, ये यहां पर है जॉइंट। तो आप लोग क्या करोगे, इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, मैं पहले ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं बिल्कुल इसको मिला देता हूँ। इज दैट क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक सेकंड रुक जाइएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक मिला ही दिया आपने। ठीक है, इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स भी आप देख सकते हो, आगे चले टू पर इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, थोड़ा सा इसमें बैंड लग जाएगा। ठीक है, ये बैंड लग गया, हल्का सा इसमें बैंड था। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर बैंड था। ठीक है, इसमें ज्यादा बैंड हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर, चलिए जी अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करके थ्री वाले पॉइंट की। ठीक है, थ्री पर ये रहा। ठीक है, अब थ्री पर क्या है, आप लोगों के देखिएगा, फाइव मीटर की डिस्टेंस है थ्री पर। ठीक है, तो फाइव ये रहा बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फाइव यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये हो गया थ्री पर फाइव। इज दैट क्लियर, चलिए जी आगे, थ्री पर फाइव हो गया। तो आपको क्या करना है, इससे इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये इसको इससे ज्वाइंट कर दिया। इज दैट क्लियर, एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया। इज दैट क्लियर, चले आगे। इसके बाद फोर पर देखिए, टेन, फोर पर टेन देखना है आपको। ठीक है, तो टेन का ये रहा। ठीक है, अब पहले आप इसको इससे मिला दीजिए, ये इसके इससे मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, ये ठीक है, यहां पर जाकर मिला है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बैंड होके आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैंड लग जाएगा, फोर पर टेन है, देख लीजिए, फोर पर टेन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बैंड देना है। कैसे देना है, ऐसे। ठीक है, दे दिया आप लोगों ने बैंड, इस तरीके से बैंड लग गया, लग गया बैंड। तीनों में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा आप लोगों को। अब आ जाइए आप फाइव। ठीक है, फाइव पर ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व ये रहा। ठीक है, ट्वेल्व को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए। ठीक है, यहां पर जाकर ये मिला है। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ट्वेल्व पे मिला है, तो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट का मतलब इस तरीके से। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, हो गया फ्लैट इस तरीके से। ठीक है, हो गया फ्लैट। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये हो गया फाइव पर आपके ट्वेल्व। ठीक है, फाइव पर ट्वेल्व के बाद सिक्स पर आ जाइए, सिक्स पर क्या है, फिफ्टीन है। अब फोर्टीन फिफ्टीन ये रहा। ठीक है, अब फिफ्टीन बीचों बीच आ जाइए आप लोग, बीचों बीच आ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं राहुल सर। ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल ये देख लीजिए, 14 और 16 के बीच में देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और यहां पर जाकर ये टच होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ऊपर बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ाओगे तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा ये, इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे था, ये थोड़ा सा आपके ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये इज दैट क्लियर, आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपके बचा है, नेक्स्ट रहा है आप लोगों के सेवन पे ट्वेंटी। ठीक है, अब सेवन पे ट्वेंटी पे का क्या करोगे आप, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बिल्कुल सीधा आ गया, देख लीजिएगा, बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और इनको आप कर दीजिए रफ। ठीक है, इज दैट क्लियर, बहुत अच्छी बात। ठीक है,
इसको आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलाना है आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट बन गया आप लोगों के, पॉइंट बन गया। अब आप इसको क्या करोगे, इससे मिला दोगे, ठीक है? इसको मिलाने के लिए आप लोगों को सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है, ठीक है, ये इससे मिल गया, इज दैट क्लियर? तो इसमें भी क्या आ गया, फ्लक्चुएशन आ गया, इज दैट क्लियर? आ गया फ्लक्चुएशन, ठीक है। चलिए जी, तो देख लीजिए यहां से चला ये ग्राफ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 तक, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बता दूं, आप लोगों को लाइन बना सकते हो आप लोग, ठीक है, कैसे बना सकते हो, 18 के नीचे आप लोग लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, इज दैट क्लियर? यहां तक, ठीक है। 16 की आप लोग लाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर? 14 की बना सकते हो, 8 की आप बना सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लोग लाइन बना सकते हो, इज दैट क्लियर? ठीक है। 6 की आप लोग लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल इज दैट क्लियर? बिल्कुल सीधे से लाइन बना सकते हो आप लोग, ठीक है, स्केल की हेल्प से। 4 की आप लोग लाइन बना सकते हो, ठीक है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। 2 की आप लोग लाइन क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, इज दैट क्लियर? ठीक है। 14 की आप लोग लाइन क्रिएट कर सकते हो, इज दैट क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, इस तरीके से आप लाइंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए, 20 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 14, 12, 10, 8, ठीक है, 6, 4, 2, इज दैट क्लियर? इस तरीके का ये कंप्लीट ग्राफ आप लोगों के तैयार है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये कंप्लीट ग्राफ है आप लोगों, ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होना चाहिए वो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके नीचे ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के नीचे आप लिखिएगा द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लिखिएगा, आपको लिखना है द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक सेकेंड आप लिखिएगा द, ठीक है, लिखिएगा द नॉन, ठीक है, द नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इस ग्राफ के जस्ट नीचे आप लिखिएगा, ठीक है, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ आ बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ आ बॉडी, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा आपने, द नॉन यूनिफॉर्म हेडिंग डाल करके लिखना है, ये हेडिंग डालनी है, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ आ बॉडी, ठीक है, इज, ये कितने टाइप के होते हैं, इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, TWO, TYPES, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी बॉडी का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो दो टाइप का होता है, लिखिएगा ऊपर, मैं इसको रफ कर देता हूं, लिखिएगा रफ कर देता हूं, ठीक है, चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, फर्स्ट लिखिएगा व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी, लिखिएगा जब क्या हो, स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था ये दो टाइप का है, एक तो जब किसी बॉडी की जो स्पीड है वो क्या होगा, बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के साथ, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी किसके साथ, ये वी, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब टाइम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब स्पीड डिक्रीज होगी, कब, वेलोसिटी यानी कि डिक्रीज होगी जब टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, दो कंडीशन है, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो उसी के ही दो पॉइंट है, तो लिखिएगा व्हेन द स्पीड ऑफ द, व्हेन द स्पीड, ठीक है, किसकी स्पीड, ऑफ द बॉडी, ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या होगी, इंक्रीजेस, बढ़ेगी, CREASE, इंक्रीजेस विद, किसके साथ बढ़ेगी, बॉडी की जो स्पीड है, इंक्रीजिंग टाइम, ठीक है, विद इंक्रीजिंग टाइम, इज दैट क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा व्हेन, सेम ये, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होगी, विद, कब डिक्रीज होगी स्पीड बॉडी की, जब टाइम बढ़ेगा, ठीक है, दो कंडीशन है, टाइम तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइम दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यानी कि टाइम दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलते हैं आगे, नीचे लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है, द डिस्टेंस,
ठीक है, टाइम ग्राफ, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, वो क्या है, देखिएगा मैं नीचे बना करके बताऊंगा, आर ऑल्सो, ठीक है, जो ये टाइप लिखवाए ना मैंने इन्हीं को ही नीचे बता रहा हूं, और ऑल्सो द, ठीक है, फॉलोइंग फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। एक एक चीज आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर ऑल्सो, ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स, ये दो टाइप के हो गए। अब आपको ग्राफ बना करके बता रहा हूं मैं, दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, एक तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एंड सेकेंड ग्राफ ये हो गया, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है, ये दो तरीके हो गया, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, इधर लिख दीजिएगा टाइम, दो ग्राफ बनाने हैं आपको, टाइम इन सेकेंड, ये सेकेंड में हो गया, ये डिस्टेंस टाइम के जो ग्राफ है ये लास्ट चल रहा है, आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये दो ग्राफ ले लिए ए और बी, टाइम इन सेकेंड, और इधर भी क्या ले लिया मैंने, टाइम, ठीक है, इन सेकेंड। आज के इस वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिनिश कर देंगे राहुल सर, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, टाइम हो गया इन सेकेंड, इधर लिख दीजिए डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस जो हो गई वो किसमें हो गई, इन मीटर, ठीक है, इज दैट क्लियर। इधर भी आप लिख दीजिए डिस्टेंस, ठीक है, किसमें, इन मीटर, इज दैट क्लियर। चलिए जी, दोनों तरफ सेम कंडीशन, ठीक है, एक में तो ग्राफ कैसे होगा देख लीजिएगा किस तरीके से होगा, ये होगा, आगे समझ में, ये इस तरीके से यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड आप लोगों के ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे, तो दो तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैसे होगा, इस तरीके, ठीक है, तो दो तरीके से ग्राफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा, एक तो ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, ए और बी, इसमें तो क्या हुआ, फ्लक्चुएट, यानी कि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बॉडी की स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, यानी कि स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंक्रीज होता जा रहा है, देख लीजिएगा ये इंक्रीज होता जा रहा है, इज दैट क्लियर। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां बढ़ तो रहा है लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, कैसी आएगी, कि ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, पहले टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर टाइम के क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, फिर डिक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में, बी वाली में, ठीक है, तो ये ए और बी दो कंडीशन हो गई, ठीक है, चले आगे, ठीक है, इसमें लिख दीजिए ए वाले के ऊपर आपको ज्यादा डाउट हो तो मैं लिखवा देता हूं, इसके नीचे लिख दीजिए ए स्पीड इंक्रीज, इसके नीचे लिख दीजिए स्पीड, ए वाले में लिख दीजिए यहां पर ए, ठीक है, इस पर लिख दीजिए स्पीड, ठीक है, इंक्रीजेज, क्या लिखा, स्पीड इंक्रीजेज विद इंक्रीज, ठीक है, इन किसमें, टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, और बी वाले पर आप लिखिए क्या लिखोगे, स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड क्या लिखोगे, डिक्रीजेज, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज, ठीक है, विद किसके साथ, इंक्रीज, ठीक है, इन टाइम, दोनों ही कंडीशन में टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन, लेकिन इसमें वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही है और इसमें स्पीड कम हो जाएगी, आया समझ में, इसमें भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड कम हो रही है। चलते हैं अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर आकर के आप लोगों के जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर, यानी कि जो आप लोगों के डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो यहां पर आकर के आप लोगों के खत्म हो जाते हैं। अगला चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यहां से मैं रफ कर देता हूं, ठीक है,
टॉपिक स्टार्ट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोगों से मैं बात करूंगा जब किसी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, ये बॉडी या मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी मैंने, ठीक है, बॉडी ले ली, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने कोई भी बॉडी ले ली, यदि उसकी स्पीड को मैं मेजर करूंगा, सुनिएगा ध्यान से राहुल सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आई वांट टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंक्रीज इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फास्ट फास्ट मूव करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू टाइम, इज दैट क्लियर, रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम बढ़ेगा, कोई भी चीज है, कोई भी फ्लक्चुएशन होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही होता है। स्पीड बढ़ेगी यानी कि कोई भी स्पीड, स्पीड को बोल सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख सकते हो वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, यानी कि कोई भी वेलोसिटी जब आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफरेंट टाइम के मोशन से डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर मेरी स्पीड है 10 मीटर, ठीक है, आगे चले 6 सेकेंड में मेरी हो गई 10.1, 7 सेकेंड में मेरी हो गई 10.3, 8 सेकेंड पर हो गई मेरी 11, 9 सेकेंड पर हो गई 11.5, 10 सेकेंड पर हो गई मेरी 11.9, समझ रहे हो आप, तो फ्लक्चुएशन मेरा होता जा रहा है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी बॉडी की स्पीड यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको शो करने के लिए हम एक ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहां पर एक्स लिखेंगे, यहां ओ लिखेंगे, यहां वाई, एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करेंगे, ठीक है, वही सेकेंड में ले सकते हो आप, ठीक है, घंटे में ले सकते हो, आवर्स में ले सकते हो, वाई एक्सिस पर आप लोग किसको शो करोगे, वेलोसिटी को, इज दैट क्लियर, ठीक है, वेलोसिटी वी को शो करोगे, ठीक है, तो यानी कि वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये चेंज होकर के वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। चलें आगे, तो लिखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा इफ, ठीक है, लिखिएगा इफ द स्पीड, ठीक है, लिखिएगा इफ द स्पीड, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, स्पीड को आप लोग और भी लिख सकते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो राहुल सर ने क्या लिखवाया स्टार्टिंग में, मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि किसी बॉडी की जो स्पीड होती है वेलोसिटी, वो मेजर की जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल से, तो द स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड, एम ई ए एस यू आर ई डी, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड एट, ठीक है, आगे लिखेगा डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग, आगे लिखिएगा डिफरेंट टाइम, तो यानी कि अलग अलग टाइम से बॉडी स्पीड मेजर की जाती है, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द मोशन, एम ओ टी आई यू, मोशन ऑफ अ बॉडी, इज दैट क्लियर, यानी कि किसी भी बॉडी के मोशन के लिए, ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके मोशन के दौरान क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, आगे देखिएगा एंड, ठीक है, ए ग्राफ, जी आर ए पी एच, एंड ए ग्राफ, क्या लिखा राहुल सर ने, एंड ए ग्राफ, ठीक है, आगे लिखिएगा, हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसके बीच में, वेलोसिटी इज प्लॉटेड, पी एल ओ डबल टी ई डी, इज प्लॉटेड बिटवीन, किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, एक तो सीधी सी बात है वेलोसिटी एंड, दूसरी बात है सीधी सी टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, इज दैट क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, विद वेलोसिटी, कॉमा लगा लिखे विद वेलोसिटी, ठीक है, विद वेलोसिटी अलोंग, ए एल ओ एन जी, अलोंग किसके एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, ए एक्स आई एस, एंड, ठीक है, वाई एक्सिस के समक्ष ले ली एंड, ठीक है, टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस कॉमा, देन आगे लिखिएगा सच ए ग्राफ इज कॉल्ड, इस तरीके के ग्राफ, सच ए ग्राफ इज कॉल्ड, इस तरीके के ग्राफ क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।